जिला कुल्लू के पवित्र नदी नालों में 20 भादों के पर्व पर श्रद्धालुओं ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। वहीं देवी देवताओं के रथ भी पवित्र स्नान के लिए पवित्र स्थलों पर पहुंचे। मान्यता है कि 20 भादों के दिन स्नान करने से जहां पापों से मुक्ति मिलती है, तो इसके अलावा चर्म रोग सहित कई अन्य बीमारी भी स्नान करने से खत्म हो जाती है। जिला कुल्लू के मणिकरण वशिष्ठ गढ़सव जिया संगम स्थल के अलावा पवित्र नदी नालों में भी लोग सुबह से ही स्नान के लिए जुटे रहे। इसके अलावा कई जगहों पर देवी देवताओं ने भी अपने हरियाणों के साथ संगम स्थल पर आकर शाही स्नान किया। हालांकि कोरोना के चलते धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा नहीं लगा, इसके बावजूद लोगों में 20 भादों को लेकर उत्साह कम नहीं हुआ। सुबह के समय ठंड के बावजूद लोगों ने आस्था के डुबकी लगाई। वहीं कई श्रद्धालुओं ने देव स्थलों में बावड़ी में भी पवित्र स्नान किया। गौर रहे कि 20 भादों के स्नान का काफी महत्व है। स्थानीय लोगों की आस्था और मान्यता के अनुसार 20 भादों के दिन पहाड़ों पर उगी जड़ी बूटियां पानी के माध्यम से निचले क्षेत्रों में पहुँचती है और इस दिन प्राकृतिक जल स्रोतों पर स्नान करने से शरीर संबंधित सभी बीमारियां खत्म हो जाती है। भाद्रपद मास में पहाड़ों पर उगने वाली जड़ी बूटियां अपने यौवन पर होती हैं और नदी नालों किनारे होने के कारण उनके औषधीय गुण भी पानी में मिल जाते हैं। भाद्रपद मास खत्म होने के बाद इनके पौधे भी सूखने लगते हैं। ऐसे ही भाद्रपद मास का स्नान लोगों की सेहत के लिए भी काफी खास रहता है। वहीं बरसात के मौसम में अधिकतर नदी नालों का पानी भी एक दूसरे से मिलता है। मान्यता है कि 20 भादों को नदी में स्नान करने से सभी तरह के चर्म रोग खत्म हो जाते हैं। वहीं माता भागा सिद्ध के हरियाण परसराम का कहना है कि देवी ने भी अपने श्रद्धालुओं व हरियाणों के साथ पवित्र स्नान किया है। 20 भादों के अवसर पर स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं और पाप कर्म से मुक्ति मिलती है। माता ने हमें कल ही बुलाया था, बोलून थी कल मुदी मनानी बी थोड़ा जी पहल नुर मतलब ऐसा जो जो जड़ी बूटी हो सी दारा पांदी है घास पानी है दसा तू निपल से दूई नोई मिला सी या नाले मिला सी असरे तो खबर से सगम दे बोला सी ते ही सगमा पाने नाना ना मैं तो वो सा कि जून जून कुछ के कोई खाओ प्याओ हो बीमारी शमारी हो तू ही बारे ने बोलो सी आश्रय देव देवते आश्रय जब्त के रही माता भागा सिद्ध का हुक्म हुआ ऐसे इस धनोरे थी आंदे और बैठे थी और बड़ी धूमधाम से गए ऐसे दूसरे सामने लागे थी बड़ी धूमधाम से ऐसे स्नान करू और स्नान करने बाद अभी भी सभी श्रद्धालु है ऐसे मतलब चाहे पानी का इंतजाम करूँ दसा माता की तरफ से भोग लगेगा। भोग पहले आरती होगी, आरती के बाद भोग होता है। माता ने ये भी हुक्म दिया हमें कि भाई अगली साल मु रथ संग जो मैं तो होता तू मेरा बड़ा भारी होता तू मेरा बड़ा गुण जसवी बड़ा मैं तो भी बड़ा तू संग पूरी हार जून तेरे श्रद्धालु हो सी सब सी सभी स्नान करना तो तू जरा उस सभी माता जो है कल्याण कर आशीर्वाद देता आशीर्वाद देने बाद सब श्रद्धालु आप अपना बहु भोजन खा कर तन बाद आप अपने गौरव जाए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन शिमला सिरमौर और किन्नौर में चाहिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव सर्विस एग्जीक्यूटिव फील्ड एग्जीक्यूटिव मोटर मैकेनिक और ड्राइवर शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।